हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलो देख लेते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के सेकेंड पेपर को हम डील कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस में हमने काफी क्लासेस देख लिए थे, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। एंड बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेके आए हैं आपके लिए आज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी डार्विन सिद्धांत को, कि डार्विन थ्योरी क्या कहती है, उसके पास्टुलेट्स क्या हैं, उसके क्रिटिसिज्म क्या हैं एंड उनके एविडेंस क्या हैं, और नॉ डार्विनवाद यानी नॉ डार्विन थ्योरी क्या कहती है। आज के क्लासेस में कंप्लीट बंडल देखेंगे, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आपको पूरा लेक्चर्स लास्ट तक देखने जरूर पड़ेंगे ताकि हर एक पॉइंट्स को आप कवर कर सको मेरे साथ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपसे अनुरोध है कि एक स्क्रीनशॉट प्यारा से ले लीजिएगा, आपको हेडिंग्स कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। तो स्क्रीनशॉट आप हेडिंग का करिएगा, ये सिस्टमैटिक चार्ट है। सिस्टमैटिक टेबल्स को सही तरीके से यदि हम दिखाते हैं, पहले इसको आप दिखाने के बाद एक एक पॉइंट्स को दिखाएंगे तो टीचर समझ जाता है कहीं ना कहीं कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो पेपर में इस क्वेश्चंस के क्या लिखने वाला है। ठीक, तो ऐसे टॉपिक को आप यदि बनाकर लिखते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी अच्छे मार्क्स को कवर करने की। मेरी कोशिश है कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जामिनेशन में अपना पूरा दो पॉइंट्स जितने भी हैं, ताकि एग्जामिनर्स को समझ में आना चाहिए कि जो बच्चा मेरे पास आया है वो औरों बच्चा से थोड़ा सा बेस्ट है, इसको मैक्सिमम मार्क्स देने चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे हम नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की। उससे पहले बता दें कि इसकी नोट्स और इसके बाकी जो सिस्टमेटिक पॉइंट्स हैं और बाकी मटेरियल हैं आपके पेपर से जुड़े हुए, वो पूरा यदि आप 100% लेना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से विजिट करिए, अपने नाम, नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस के साथ अपना ईयर्स बताना ना भूलिएगा किस ईयर के आप हैं। वहां पे आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे क्लासेस के और आपके एग्जाम से जुड़े सारे चीज आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की, कि आखिरकार नेचुरल सिलेक्शन है क्या और उसी को हम डार्विन सिद्धांत भी कहते हैं। बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शंस को, तो नेचुरल सिलेक्शंस को देने के लिए डार्विन ने स्पेशली एक थ्योरी प्रपोज किया था। कब थ्योरी प्रपोज किया था? 1859 में। किसमें? 1859 में। 1859 में इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया था। ठीक, किस कौन सी थ्योरी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। अब बात करते हैं इसी जगह डार्विन की, कि डार्विन ने इस पे कब आए थे। डार्विन का जो जन्म हुआ था वो 1809 में हुआ था। कितने हुआ था? 1809 में। 50 साल बाद इन्होंने एक अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक थी इसकी? इनकी पुस्तक थी स्पेशली जिसका नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। किसकी? प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, मतलब नेचुरल सिलेक्शन करेगी तभी जाके, नेचर क्या करेगी, किसी के सिलेक्शन करेगी तभी जाके वो सरवाइव कर पाएगा हमारे एनवायरमेंट में। क्या? हमारे एनवायरमेंट में। स्पेशली कौन? वो स्पीसीज जिसकी उत्पत्ति, जिसकी ओरिजिन हुई है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इन्होंने एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर और ये दोनों लोग मिलके 1831 में, ध्यान देना 1809 में इनका जन्म हुआ, ये 1831 में क्या किए, 1831 में प्रोफेसर साहब और ये दोनों लोग मिलके कहाँ चले गए, ये विश्व की पूरी जो विश्व थी, लगभग विश्व के अलग अलग भागों पे गए। ठीक, इन्होंने बिगल नाम की एक जहाज ली थी, ठीक, बिगल नाम की एक ब्रिटिश सरकार से जहाज ली थी और पूरे विश्व में इसको भ्रमण किया और 5 ईयर, ध्यान देना 5 सालों तक इन्होंने सही तरीके से भ्रमण किया। 5 सालों तक घूमने के बाद वो अलग अलग द्वीपों पे जब गए, वहाँ पे चट्टानों को देखा, वहाँ पे फॉसिल्स को देखा, वहाँ के ऑर्गेनिज्म को देखा, वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स की सही तरीके से कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशंस किया। ठीक, उसको देखा, देखने के बाद इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने छोटे छोटे 4 पॉइंट्स ला के रख दिए। नंबर फर्स्ट इन्होंने पॉइंट क्या देखा अपने सर्वेक्षण में, किसको किसको देखा, नंबर फर्स्ट में देखा कि जो दक्षिण अमेरिका था, क्या था, दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका का गोलापैगस, इसको बोलते हैं गोलापैगस जो द्वीप था, वहां पे जाने के बाद प्लांट्स और एनिमल्स को सही तरीके से डिस्कवरी किया। दूसरे नंबर की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे जो हमारे जितने भी सजीव थे, लिविंग एंड नॉन लिविंग हमारे फॉसिल्स थे, उनके बीच मतलब जो फॉसिल्स थे उनको उन्होंने देखा एंड जो उस क्राइटेरिया में, उस एरिया में रहने वाले जो
एनिमल्स थे उनके फॉसिल्स को देखने के बाद एक निष्कर्ष निकाला, ठीक, कि ये भी कहीं ना कहीं नेचुरल के सिलेक्शंस पे ही काम करते हैं। और आगे बात करें जो हमारा माल्स था, माल्स के अनेक ढेर सारे डिफरेंट जो हमारी कम्युनिटी थी, ह्यूमन की पॉपुलेशन थी, ह्यूमन के पॉपुलेशन पे इन्होंने रिसर्च किया, उनका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद लास्ट नंबर पे इन्होंने क्या किया, जो अच्छे किस्म वाले, ध्यान देना, अच्छे किस्म को प्राप्त करने वाले जो घरेलू जानवर थे, जो हम पालतू जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गई, घोड़ा हो गया, इनका इन्होंने प्राकृतिक चयन किया, नेचुरल सिलेक्शन किया, एंड दूसरा इन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, मतलब कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जो नेचर में पाई जा रही है उनको लिया, एंड जो हम घर पे रखे हैं उनको लिया। उनको लेने के बाद इन्होंने पूरी पूरी जब पूरा एक चारों सिद्धांत को, चारों पॉइंट्स को सही तरीके से देख लिया, रिजल्ट को, उनके बाद इन्होंने अपने छोटे छोटे पास्टुलेस के रूप में अपनी कहानी लाके हमारे सामने रख दी, ठीक। तो ये पूरी पूरी जो थ्योरी आती है ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बेस पे आती है। जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आती है वो दो लोगों पे काम करती है, ठीक। हमने बता दिया 5 सालों पे घुमा, 5 सालों पे साथ चार छोटे छोटे सिद्धांत दिए। ये चारों सिद्धांत कब पब्लिश हुए, ये चारों सिद्धांत पब्लिश हुए 1859 मतलब 1859 में पब्लिश हो गए। जब ये पब्लिश हो गए, इस बुक का नाम क्या था, इस बुक का नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ठीक, इस बुक का नाम था। अब ये तो पूरा मेरा डेट हो गया। अब बात करते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो दो सिद्धांत पे काम करता था। नंबर फर्स्ट, जो ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होगी, किसी भी स्पीसीज की यदि ओरिजिन हो रही है वो पिछले जनरेशन से होगी। कैसे होगी, पिछले जनरेशन से होगी, यानी जो पिछला जनरेशन होगा पिछले जनरेशन के ही पूरे सिस्टमैटिक पॉइंट्स कहीं ना कहीं अगले जनरेशन में आते रहेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट था इनका। दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, दूसरे पॉइंट में बताया कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है इनमें माइक्रो इवोल्यूशंस, नेचर का माइक्रो इवोल्यूशंस काम करता है, कि माइक्रो इवोल्यूशंस के बेसिस पे छोटे छोटे इनमें बदलाव आते रहते हैं। जैसे प्लांट्स में जो होता है माइक्रो इवोल्यूशंस प्लांट में डायरेक्टली दिखाई देता है, जबकि हमारे जो एनिमल्स होते हैं एनिमल में इनडायरेक्टली दिखाई देता है। तो आपको माइक्रो इवोल्यूशंस के बारे में जानना होगा तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने बना दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि माइक्रो इवोल्यूशंस के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक। तो ये दो थ्योरी पे काम किया। अब बात करते हैं इनके पास्टुलिस्ट, यानी इनकी अवधारणाएं कैसी थी, ये किस सिद्धांत पे काम करना चाहते थे, ठीक। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की जो अवधारणाएं हैं वो स्पेशली 5 टॉपिक पे हमारा कंप्लीट करता है। नंबर फर्स्ट के बारे में बात करता है कि नंबर फर्स्ट थ्योरी यहां से निकल के आती है कि हमारे जो जीवन की उत्पत्ति होती है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें संतान उत्पत्ति करने की प्रचुर मात्रा होती है। किसी होती है, संतान उत्पत्ति करने की प्रचुर मात्रा होती है। अब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शंस की जो पावर होती है वही रिप्रोडक्शंस की पावर ही उसके पॉपुलेशंस को कंट्रोल वो कोऑर्डिनेट करती है। क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्शंस की क्षमता होती है, जो पावर होती है, ठीक, वो रिप्रोडक्शंस पावर आगे चल के उसके स्पीसीज को सही तरीके से कंट्रोल वो कोऑर्डिनेट करती है। और यही बात डार्विन ने भी अपने सिद्धांत में बताया था। इस नंबर फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं तो इस नंबर फर्स्ट पॉइंट में यही कहता है कि जो जितना ज्यादा क्या, जो एनिमल या जो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा अपने संतानों की उत्पत्ति करेगा उसकी मात्रा उतना ज्यादा एनवायरमेंट में बढ़ता जाएगा, ठीक। इन्होंने अपने लेख में पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म की सही तरीके से स्टडी बताते हुए बताया कि जैसे जो स्कैरिस होता है, स्कैरिस हमारी जो होती है वो एक बार में, वन टाइम की बात करना, जो हमारी स्कैरिस होती है वो वन टाइम में लगभग 2.5 करोड़, कितना, 2.5 करोड़, करोड़ को कैसे लिखेंगे, ठीक, 2.5 लिख लो, 2.5 बिलियन हो गया ना, हाँ 2.5 बिलियंस को ये क्या करती है, कंप्लीट करती है। कंप्लीट कितने टाइम में, वन टाइम, क्या करती है स्टूडेंट, एक कंप्लीट करती है, ठीक। तो मतलब सोचो कि वे जो स्कैरिस है ये 2.5 करोड़ हमारे पास अंडे दे रही है तो इसकी क्षमता क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन औसतन ऐसा माना जाता है, क्या औसतन ऐसा माना जाता है कि एक जो इसकी स्पीसीज होती है, क्या होती है, औसतन माना जाता है कि एक स्पीसीज
2.5 करोड़ अंडे दे रही है। उसके बाद जैसे ह्यूमन होता है, ह्यूमन वर्ष में वन टाइम मतलब एक ईयर में एक बार ही केवल बच्चे दे सकते हैं, मतलब इतने बच्चे पैदा कर सकते हैं लोग, ठीक। लेकिन अलग अलग जैसे बकरी हो गई, वो 6 मंथ में 2 बार, ठीक, मतलब 2 बच्चे, ठीक, एक ईयर में 2 बार, तो ऐसे ऐसे सबकी अलग अलग क्या होती है, नंबर होती है। तो जो जितना ज्यादा, ध्यान देना, जो जितना ज्यादा अपने संतानों की उत्पत्ति करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा रिप्रोडक्शंस करेंगे, उनके जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, वो अगले जनरेशंस में वो सर्वाइव कर पाएंगे अपने एटमॉस्फेयर के साथ। अब बात करते हैं दूसरा, दूसरे फॉर्म में इन्होंने क्या बताया था, स्ट्रगल के बारे में बताया कि स्ट्रगल फॉर लाइफ, कि जो हमारी जीवन होती है, ठीक, जीवन संघर्ष के बारे में इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव क्या करते हैं, अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपनी जीवन की पूर्ति करने के लिए, अपने जीवन में क्या क्या, अपने लाइफ में क्या क्या मटेरियल चाहिए उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग क्या करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रगल करते रहते हैं। यही स्ट्रगल जैसे जंगल में देखा जाए तो शेर स्ट्रगल करता है अपने भोजन के लिए, हिरण को खाने के लिए, और हिरण स्ट्रगल करता है उनसे भागने के लिए, मतलब ढेर सारे। घर पर देखो, चूहा बिल्ली बैठी रहती है चूहे के लिए, और कुत्ता बैठा रहता है बिल्ली के लिए, ठीक। तो ये सब अगली अपनी अपनी क्या है, स्ट्रगल है लाइफ की, वो लोग ऐसा ही करते रहेंगे, ये सब नेचुरली हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुत्ते को बोला है कि तू बिल्ली खा, बिल्ली को किसी ने बोला है कि तू कुत्ता खा, सॉरी चूहे खा, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उनकी एक क्या है, वो एक फूड प्रोसेस है, फूड वेव के साथ वो चलती है, फूड चैन आपको BSc थर्ड ईयर में पढ़ाया जाएगा, वो फूड चैन के अकॉर्डिंग पूरी काम करती है, ठीक। वहाँ पे प्रोड्यूसर दूसरा कोई है, कंज्यूमर दूसरा कोई है। जैसे हमने प्रोड्यूसर के रूप में किसको रखा, हमारे छोटे 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 घास हैं, ठीक, ग्रास हैं। अब ग्रास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को मोर खाएगा। ऐसे धीरे 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 वो प्रोसेस बढ़ते जाते हैं, हमारा एक फूड चेन बढ़ता जाता है, ठीक, 10% लॉ के साथ कंप्लीट हो जाता है वो, ठीक। तो वही स्ट्रगल यहाँ भी देखा जाता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के सारे मटेरियल जुटाने पड़ते हैं, वो मटेरियल जुटाने के लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं कौन कौन से 3 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल होते हैं, यहाँ पे 3 स्ट्रगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक, कौन कौन। यहाँ नंबर फर्स्ट स्ट्रगल की बात करते हैं, देखो ये बोलता है इंट्रा, क्या, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इसको हम हिंदी में कहते हैं जातीय सजातीय संघर्ष। सजातीय संघर्ष से मतलब होता है कि जब एक ही जाति के, ध्यान देना, एक ही स्पीसी, एक ही जाति के, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट डिफरेंट जब मेंबर आपस की आवश्यकताओं के लिए लड़ने लगते हैं आपस में, ठीक, क्या करते हैं, संघर्ष करने लगते हैं, तो उनको बोला जाता है कि ये स्पेशली सजातीय संघर्ष हो रहा है। मतलब एक ही चीज के लिए जब लोग संघर्ष करना स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देंगे, एक बुक हो वो हमको भी चाहिए, बगल वाले को चाहिए, इस बगल वाले को चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सजातीय संघर्ष कहलाएगा, ठीक। अब इस सजातीय संघर्ष में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट, हम ये डील करेंगे, जैसे हमारा स्पेशली जीवन साथी के लिए, अभी देखो शादियां होती हैं, उसको भी वो अच्छा लग रहा है, उसको भी वो अच्छा लग रहा है, अब ससुराल किसके साथ जाएगा, उसके साथ जाएगा, उसके साथ जाएगा, तो ये क्या है, जो उसमें बेस्ट रहेगा, जो अपने आप को बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाएगा वो उसी के साथ जाएगा, ठीक। वो जिसकी ज्यादा, मतलब जैसे हमको बुक लेना है, एक बुक 500 की है, मेरे पास 499, एक के पास 600 रुपए है, जिसके पास 600 होगा वो 500 दे के ले जाएगा, जस्ट वो स्ट्रगल होता रहेगा सारे लोग, या फिर मैं जुटा के ले जाऊं कहीं से, तो सारे लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे, शादियों के लिए स्ट्रगल हो रहा है, भोजन के लिए हो रहा है, मकान के लिए चाहिए, रूम बना है, रूम के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रोसेस में लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। वहीं बात करेंगे यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अंतर जातीय संघर्ष। अंतर जातीय संघर्ष का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जातियां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बीच संघर्ष होता रहता है। जैसे अभी हिंदू मुस्लिम करके लोग संघर्ष करते रहते हैं, हिंदू जाट करके संघर्ष कर रहे हैं, ठीक, सिख ईसाई करके संघर्ष कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, ठीक, ऐसा तो हम स्पीसीज नहीं कह सकते उनको, बट ऐसा मान सकते एग्जाम्पल के लिए कि दो डिफरेंट डिफरेंट जब स्पीसीज
आपस में स्ट्रगल करने लगे तो उनको हम स्पेशली इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनके लिए किसके लिए ये काफी कार जमीनों के लिए, भोजन के लिए, किसके लिए जमीन के लिए, भोजन के लिए, ऐसे ऐसे लोग लगे रह गए। अब लेकिन मेन एग्जाम्पल देखा जाए इनके लिए तो मेन एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएगा, मेन एग्जाम्पल होगा जैसे हमारे पास छोटे छोटे इंसेक्ट हैं। क्या हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट हैं। ये छोटे छोटे इंसेक्ट अलग स्पीसीज हैं, हम लोग दूसरे स्पीसीज हैं। अब दूसरा हमारा कोई गाय है वो दूसरी स्पीसीज है, तो सब ना सब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे पे लगातार हावी होना चाहते हैं। ठीक, हम सोचते हैं कि हमारे पे रोग ना आए, वो सोचते हैं कि हम इनको इन्फेक्शन कर दें, तो लगातार इनमें क्या होता है, इनके बीच लगातार धक्का मुक्की हो रहा है। अब धक्का मुक्की में जो बेस्ट होगा, जो स्ट्रगल में अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा वो बच जाएगा, जो गड़बड़ होगा वो मारा जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये स्पेशली किस में आएंगे, वो जब दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आपस में जब झगड़ा कर लेंगे तब वाला कौन आएगा, ये वाला स्ट्रगल कहलाएगा। और लास्ट में हमारे पास आता है स्ट्रगल विथ नेचर, सबसे बढ़िया यही है। ठीक, सबसे बढ़िया यही है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रगल विथ नेचर यानी सब जितने भी लोग हैं ये अपने में धक्का कर लेंगे। ठीक, दो भाई भाई हैं धक्का कर लेंगे, दो पड़ोसी हैं धक्का कर लेंगे, बट इन दोनों को कहीं ना कहीं इनसे भी धक्का करना होगा, धक्का मुक्की करना होगा स्ट्रगल विथ नेचर के साथ। इस नेचर में हमको क्या देखना होगा स्टूडेंट, कि हम मानेंगे कि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्राकृतिक आपदाओं से, बाढ़ आ गया, कोहरा पड़ रहा है, हिमस्खलन हो रहा है, हिमपात हो रहा है, ठीक, लू चल रही है, तो इससे अलग अलग एनिमल जो भी इससे इफेक्ट में आएगा, इसके इफेक्ट में आएगा, वो कहीं ना कहीं उस नेचुरल दशाओं से, उस नेचुरल कंडीशन से अपने आप को क्या करेगा, बचाने की कोशिश करेगा। जब अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ये पूरा पॉइंट का जो स्ट्रगल होगा वो नेचर विथ स्ट्रगल के साथ आएगा, क्योंकि वो किसके साथ कर रहा है, वो नेचर के साथ कर रहा है, नेचर के साथ अब उसका झगड़ा हो गया है, ना कि किसी ह्यूमन के साथ है, ना किसी स्पीसीज के साथ है, ना अपने भाई बंधुओं से है, ना किसी दोस्त के लिए, ना बुक के लिए, एनीवन किसी के लिए नहीं है, वो अब किसके साथ है, वो नेचर के साथ है। तो भैया सबसे झगड़ा कर लेना इस नेचर से नहीं। अब चलते हैं अगले पॉइंट्स में। अगला पॉइंट हमारे पास आता है वेरिएशन, किसकी, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। तीसरे पॉइंट में देखते हैं वेरिएशन एंड हेरिडिटी को, तो इसमें यह देखा जाता है विभिन्नताएं एवं वंशागति। विभिन्नताएं और वंशागति के बेसिस पे भी इन्होंने अपने पास्टुलेट्स को प्रकट करते हुए बताया, क्या बताया, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें काफी ज्यादा जीवन संघर्ष करने के बाद, ध्यान देना, इन्होंने क्या बताया कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन ऑर्गेनिज्म में स्पेशली अलग अलग टेंडेंसी देखा जाता है, उनमें वेरिएशन देखे जाते हैं। जैसे एक ही बाप के, एक ही माँ के स्पेशली दो चार बच्चे हैं तो उनमें डिफरेंट देखा जाता है, उनके डीएनए सीक्वेंस में डिफरेंट देखा जाता है, उनकी मॉर्फोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा देखने के, उनके जो फिजिकल बॉडी है, देखो एक घर में तीन बच्चे हैं तीनों की अलग अलग फोटो दिख रही है, तीनों के अलग अलग वेट हैं, तीनों के अलग अलग स्पेशली कलर्स हैं। तो ये जो कलर्स आते हैं, जो वेरिएशंस आते हैं, ये एक नेचुरल सिलेक्शन के दौरान आते हैं। जब हमारे पास हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल में, तो मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, फीमेल के अंदर जब इनका पूरा पूरा फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के सेशन में ये देखा जाता है कि जो जेनेटिक सीक्वेंस बनते हैं हमारे फिनोटाइप के लिए, वही फिनोटाइप आगे चल के रिस्पॉन्स करता है, ये पूरा कराता है इस वाले पॉइंट्स में। लेकिन प्राकृतिक में ऐसा देखा जाता है कि जब जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे में वेरिएशंस काफी कम देखने के लिए मिल जाता है, मतलब जुड़वा बच्चों को छोड़कर, जुड़वा बच्चों में वेरिएशंस होते हैं लेकिन कुछ लोगों को छोड़कर, आपने देखा होगा चिंकी मिंकी वाली कहानी, ठीक, तो जुड़वा बच्चों को छोड़ के बाकी सब में वेरिएशन देखने के मिलेगा, उनकी अलग अलग क्या होगी, इनहेरिटेंस होगा। जब अलग अलग इनहेरिटेंस होगा, अलग अलग लक्षण दिखाई देगा हमको, जब अलग अलग लक्षण दिखाई देने लगेगा तो यही लक्षण आगे चल के माइक्रो इवोल्यूशंस का पार्ट कवर करेगा, और यही माइक्रो इवोल्यूशंस इवोल्यूशंस के पार्ट को क्लियर करते हुए एक नई स्पीसीज को धीरे 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 कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती चली जाएगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट की, बात करता है कि जिंदा वही रहेगा जो सबसे योग्य होगा। जैसे आज के कल्चर में नौकरी वही पाएगा जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला होगा, जस्ट लाइक पहले ही इन्होंने बता दिया। सोचो कि आज के लगभग 150 साल पहले ही कहानी बताई गई थी
कि जो ज्यादा जितना ज्यादा योग्य होगा वो उतना ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, यदि योग्यता आपके पास नहीं है तो आप मारे जाओगे, जैसा यहाँ पे हो रहा है। आप भूखों से मरोगे, बेरोजगारी से मरोगे, मतलब मरना तो तय है यदि आपके पास योग्यता नहीं है। इसलिए प्यारे पढ़ लो, सही से काम देगा। ठीक, तो यहां से हमने क्या देखा, सर्वाइव की बात कर रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब योग्य होगा तो जाके वो पूरी दुनिया में राज्य करेगा, अच्छे से रह पाएगा। ठीक, और इसी पॉइंट्स को नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखिए इसकी कहानी कहां से है। इसकी कहानी ये मानती है कि जीवन संघर्ष करते रहेंगे लोग, वो धक्का मुक्की कर रहा है, वो धक्का मुक्की कर रहा है। ठीक, धक्के मुक्की में, जीवन संघर्ष में, स्ट्रगल में जो सबसे ज्यादा योग्य होगा उसको नेचर कहीं ना कहीं एक बेहतर क्राइटेरिया देगी, वो अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाएगा। जब अपने स्पीसीज को आगे बढ़ाएगा तो वो एक डिफरेंट टाइप के स्पीसीज को नेचर में ला के रख देगा। यही नेचर आगे चल के उस स्पीसीज के नंबर ऑफ स्पीसीज या पॉपुलेशन को ग्रोथ कराएगी, और यही ग्रोथ आगे चल के एक कम्युनिटी बन जाएगी और एक कंट्री बन जाएगी, जिससे एक स्पेशल पॉपुलेशंस की एक पूरी कम्युनिटी दिखाई देगी और यहाँ पे नए ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स इस वाले पॉइंट्स में। यदि हम बात करते हैं फिटेस्ट की, तो जितना ज्यादा हम आपको बता दें, जितना ज्यादा आप फिटेस्ट रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, यहाँ पे लास्ट पॉइंट ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज कैसे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो मैंने बताया क्या कि जो नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत हैं, ठीक, वेरिएशन के सिद्धांत हैं, वो लगातार चल रहे हैं। जैसे मम्मी स्पेशली माँ बाप के दो बच्चे हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के, अब इनके दो बच्चे होंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक, तो ऐसे डिफरेंस लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक, लगभग सब में न्यू मतलब नए नए कैरेक्टर्स आते रहेंगे। देखो, दादाजी को फोन चलाने नहीं आता, उनको साइकिल चलाने नहीं आता, तो फोन कहाँ से आएगा। लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनको दे दो आईपैड है, बाकी चीज वो चला लेते हैं। मतलब उनमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो नेचर्स हैं, सीखने की जो क्षमता है वो ज्यादा डेवलप हो गई है। ठीक, मतलब नए ऑर्गेनिज्म, नए स्पीसीज की निर्माण हो रही है। इसी नए स्पीसीज को हम स्पेशली नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा रखते हैं, और यही नेचुरल सिलेक्शन आगे चल के स्पेशली न्यू ओरिजिन, मतलब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आता है। और इसी पूरे सिद्धांत को, जब नई जातियां उत्पत्ति हो जाती हैं, इस पूरे सिद्धांत को हम स्पेशली नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचर के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। और इसी नेचर के द्वारा सिलेक्शन जब किया जाएगा, इसी को डार्विन ने स्पेशली अपने नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे नाम रखकर अपना पूरा बंडल बना लिया था थ्योरी का। अब बात करते हैं इसके कुछ डार्विन के एविडेंस एंड सपोर्ट सिस्टम्स की, कि आखिरकार डार्विन का जो पूरा सिद्धांत था, डार्विन की पूरी जो थ्योरी थी, इस कहानी से लोगों ने क्या बताया, या फिर इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत बताने की कोशिश किया जिसको हमको बारे में पढ़ना चाहिए, या फिर ऐसे कौन कौन से इनके एविडेंस थे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दिखाते थे, और कहीं ना कहीं हमारे पूरे वातावरण के लिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके। ठीक, तो अब बात करते हैं, आप अगला हेडिंग कवर करिएगा यहां से, एविडेंस के फॉर्म में चौथा। अब एविडेंस के फॉर्म में चौथा देखते हैं, कह रहा है कि डार्विन, यहां पे डार्विन का जो सपोर्ट था, जो एविडेंस यहां पे सपोर्ट सिस्टम बता रहा है एवोल्यूशन के लिए, वो तीन टॉपिक थे। इन्होंने स्पेशली तीन टॉपिक के बेस एविडेंस, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार हम मिला लेते हैं। ठीक, कहां गया एविडेंस, ठीक यहां से लिख लेना, यहां थोड़ा सा छूट गया है एविडेंस। ठीक, एविडेंस के फॉर्म में, अब एविडेंस में इन्होंने तीन पॉइंट दिए हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, नंबर पॉइंट फॉसिल्स के रूप में दिया है। क्या दिया है, फॉसिल्स के रूप में दिया है। जीवाश्म के बारे में बताया, मतलब इन्होंने बताने की कोशिश किया कि पृथ्वी की सतह के अंदर, ध्यान देना क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने बोला था कि पृथ्वी के सतह के अंदर जितने भी दबे हुए मटेरियल हैं, दबे हुए फॉसिल्स हैं, उनको उनको यदि बाहर निकाला जाए तो हमारे नए ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है आज, हम उनसे और वो जो फॉसिल्स हैं उनके बीच एक लिंक बना सकते हैं, और देख सकते हैं कि पहले के ऑर्गेनिज्म और आज के ऑर्गेनिज्म में कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है। ठीक, इनका पूरा का पूरा वर्णन डार्विन के जो हमारा विकास है वो करता है।
एक लाइन आप कहना चाहेंगे, फास्टिस्ट में यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, कि पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए अर्थ के अंदर या सतह पर दबे हुए जितने भी हमारे प्राचीन समय में प्राचीन काल में जितने भी ऑर्गेनिज्म के फास्टिस्ट दबे हुए हैं, डार्विन ने विकास प्रक्रिया का वर्णन किया था इनको ही लेके, ठीक, कि ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे धीरे धीरे डेवलप करते गए हैं। आगे दूसरा उन्होंने क्या बोला था, जो यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया था, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भौगोलिक वितरण की बात किया था, हमने पहले ही चैप्टर में इसको पढ़ाया था कि जैव भौगोलिक वितरण के दशाओं में ऐसा माना जाता है कि अलग अलग भौगोलिक दशाओं में अलग अलग दशाओं के कंडीशंस में अलग अलग स्पीसीज जो होते हैं वो अपने आप को डेवलप करते हैं एंड उनकी जो मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जस्ट लाइक वेस्ट इंडीज का कोई बंदा होगा, हमारे यहाँ कोई इंसान है, दोनों के काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। ये पूरा का पूरा जो प्रमाण था, ये पूरा प्रमाण हमारे डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, वो भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। इसको डार्विन ने अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए लाया था। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, समुद्री द्वीप की बात करते हैं यहाँ पे, तो ओशनिक को आइसलैंड्स की बात करते हैं। यहाँ पे आइसलैंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आइसलैंड एक द्वीप की बात कर रहा है कि डार्विन ने अमेरिकी जब द्वीप पे गए थे, डार्विन ने क्या किया था, जब ये 5 वर्षों की कहानी हमने बताया कि 5 वर्षों तो के लगातार घूमते गए, तो इन्होंने अमेरिकी मतलब दक्षिण अमेरिका के द्वीप पे गए, साउथ अमेरिका में गए, तो साउथ अमेरिका में जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेंडेंसी पे देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा था, और उसी अमेरिका में ही एक स्पेशल गैलो, क्या कहते हैं इसको, गैलापागोस कहते हैं, गैलापागोस द्वीप था। वहाँ पे जो चिड़ियों की थी, क्या थी वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चिड़ियाँ थी, बट उन्होंने एक स्पीसीज को लिया। एक स्पीसीज को लेने के बाद लगभग उसकी 20 से 22 जो किस्में थी वो देखने को मिली। मतलब एक स्पीसीज है, क्या है सॉरी, एक चिड़िया है, एक चिड़िया को उन्होंने क्या देखा कि उनकी 20 से 22 स्पीसीज हैं और सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या है, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इससे ये पता चला कि इनमें कहीं ना कहीं माइक्रो इवोल्यूशन हुआ होगा। यही माइक्रो इवोल्यूशन आगे चल के इवोल्यूशन का पार्टिसिपेट किया होगा, यानी इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया होगा माइक्रो इवोल्यूशन, तब जाके ये एक ही टाइप के, क्या एक ही टाइप की अलग अलग, मतलब एक ही जीनस की अलग अलग 20 से 22 स्पीसीज दिखाई दे रही हैं। ये पूरा का पूरा हमारे पास कब आया, जब हम आइसलैंड पे गए, कहां पे, साउथ अमेरिका के अंदर। अब देखो आगे, आगे नंबर पे आता है क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, इनकी बुराइयां भी हुई, कौन कौन से लोग थे, कब बुराई की थी, क्या क्या इनकी कमियां थी, खासकर हम आलोचनाओं की बात करेंगे कि आलोचनाओं पे ये देखा गया कि डार्विनवाद या फिर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी स्पेशली खासकर जय विकास को यहाँ पे इवोल्यूशन को सही तरीके से प्रस्तुत तो किया, काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत किया, बट इनके अतिरिक्त इनमें जो साइंटिस्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनमें इनकी आलोचनाएं करते हुए कुछ कुछ पॉइंट्सों को मेंशन किया, और मेंशन करने में नंबर फर्स्ट हमारे पॉइंट था कि इन्होंने अवशेषी अंगों के बारे में कुछ नहीं बताया, ऐसे आर्गन के बारे में कुछ नहीं बताया जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका हो। मतलब इन्होंने अवशेषी अंगों के बारे में कोई भी पॉइंट्स नहीं बताया जो लैमार्क ने बताया था, इनको बताना चाहिए था भाई, ये गलती कर दिए। अब इनके बाद दूसरे पॉइंट्स में ये बताया गया कि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ फिटेस्ट की बात इन्होंने किया है, ओरिजिन ऑफ फिटेस्ट के लिए स्पेशली जो पूरे पूरे सिम्टम्स होते हैं वो पिछले जनरेशन से ही आते हैं, जो इन्होंने थोड़े से अपने पॉइंट्स में मिस्टेक कर दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बेसिस पर ही देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कलर होती है, ऑर्गन की बनावट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मैच करती है। इस मैचिंग को इन्होंने सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, और जिसके फलस्वरूप ऐसा माना गया कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे माइक्रो इवोल्यूशन के दौरान हुआ है, ठीक। और ऐसा माना गया कि काफ़ी कुछ आलोचक ने ये भी बताया कि भाई तू तो जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन मेरी भी सुन ले कि जब ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं, डार्विनवाद ये बताने की कोशिश किया था या बताने में असमर्थ रह गए कि हमारे पास जो हमारी बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया का मतलब होगा कि बेसिक क्राइटेरिया या बेसिक कैरेक्टर्स में चयनवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन की कहीं भी जो प्लांट्स थी
प्लांट के किस्मों के बारे में, प्लांट की स्टडी के बारे में, उनकी अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनके बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं, या फिर प्लांट की कैसे जनरेशन चेंज हुए उसके बारे में आपने कभी बताया ही नहीं अपने थ्योरी में। तो आप एनिमल के बारे में बताते रह गए, तो क्या प्लांट में कोई भी रिलेशंस नहीं हुए? ये कुछ साइंटिस्ट का कहना था, किसके लिए? डार्विन के लिए। और ऐसा माना गया कि डार्विन ने यहाँ पे सेक्सुअल सेलेक्शंस की बात नहीं की। यहाँ पे डार्विन ने सेलेक्शन थ्योरी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए एक चीज़ों को मेंशन किए थे, बट वो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाए। वो था उनका सेक्सुअल कम्युनिटी, यानी सेक्सुअल सेलेक्शन। सेक्सुअल सेलेक्शन सिद्धांत में ये दिखाया गया कि धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इनकी जो सेक्सुअल और सिलेक्शन था इन पे उंगली उठा, और बताया गया कि कभी ना कभी ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेटेस्ट, इसको ग्रेटेस्ट कहते हैं, ग्रेटेस्ट फीमेल होती है, ग्रेटेस्ट फीमेल तथा जो हमारे ग्रेटेस्ट मेल होते हैं इनको पसंद करते हैं, जबकि जो हमारे फीमेल होते हैं, मेल को कोई भी चयन कर सकता है। क्या करता है? मेल को कोई भी चयन कर सकता है, लेकिन जो ग्रेटेस्ट फीमेल होती हैं उनको ही लोग चयन करना पसंद करते हैं, ये बताए थे ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शंस में ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट कि नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म की पूरी जो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर्स होती है या कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर्स होती है, वो पूरी की पूरी उस क्राइटेरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो कई छोटे छोटे हमारे क्रिटिसिज्म होते हैं, लोगों ने बुराइयां भी की, और बुराई करना भी जरूरी है। और यदि पालतू जानवर पे भी इन्होंने अपना बताया था, मैंने पीछे पीछे बताया कि पालतू जो जानवर थे, पालतू जानवरों पे इन्होंने अपना सिलेक्शन थ्योरी दिया, जिसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम दिया गया। इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ये बताया गया कि हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी एनिमल के फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, ठीक, लेकिन वो पूरी तरीके से उस समय नहीं फिटेस्ट था, बट आज हमारे एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे हम गाय, हमारे घर है गाय का जो बच्चा होता है वो, देखो गाय दूसरे कलर की है, बच्चा दूसरा आता है, तो हम सीमेन का यूज करते हैं। सीमेन यूज करना ही हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। नेचुरल सिलेक्शन जो नेचर कर रही है, और सीमेन वाला क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके हम नए स्पीसीज की फॉर्मेशन अपने यहाँ करा सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे न्यू डार्विन सिद्धांत की बात करते हैं कि न्यू डार्विन सिद्धांत के बारे में कौन लोग आए, क्या बताने की कोशिश किया। तो ऐसा माना जाता है कि न्यू डार्विन के लोगों के ने अनेक अनेक छोटे छोटे रिसर्च किए, रिसर्च करने के बाद इन्होंने डार्विन वाद को, यानी डार्विन थ्योरी को सही तरीके से फिर से लाने की कोशिश किया कि भाई आप जो कह रहे हो आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौ डार्विनवाद में मॉडर्न सिंथेसाइज थ्योरी एक आती है, हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको कि मॉडर्न सिंथेसाइज थ्योरी में स्पेशली क्या बताया गया कि यहाँ पे अनेक साइंटिस्ट आ गए थे उस समय, उसमें मेंडल आ गए थे। तो मेंडल की जो आनुवंशिक सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स था, उनके बेसिस पे देखा जाए, ठीक, और उनके साथ साथ और हमारे डीएनए आरएनए की डिस्कवरी सही तरीके से हो गई थी। तो डीएनए और आरएनए के पूरे जीन्स की जो कंडीशन बताया गया कि जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से, मतलब मेंडल ने बताया कि कोई फैक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है। मेंडल के पहले वो लोग कुछ नहीं बता पाए थे, मेंडल के बाद क्या हुआ, लोगों ने ये कहने की कोशिश किया कि भाई साहब जो आप फैक्टर बता रहे हो वो कोई जोहेंसन ने क्या बताया, जीन बताया, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो मटेरियल जाता है वो जीन्स के द्वारा जाता है, और यही जीन्स हमारे फिनोटाइप एंड जीनोटाइप के कैरेक्टर्स को डिफरेंट करते हैं किसी दूसरे स्पीसीज से, या एक ही स्पीसीज के किसी दूसरे मेंबर से। तो आगे चल के डार्विन के पूरे सिद्धांत को मेंडल एंड जोहेंसन के जीन सिद्धांत ने, जीन थ्योरी ने सही तरीके से कंप्लीट करते हुए न्यू थ्योरी को कहीं ना कहीं प्रपोज करने की कोशिश किया। उस न्यू थ्योरी में छोटे छोटे कई लक्षण दिए गए, कई सिम्टम दिए गए। नंबर फर्स्ट, ऐसा बोला गया कि एक कम्युनिटी में आनुवंशिक विभिन्नताएं होंगी, ठीक, हमारे पास इनहेरिटेंस वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। नंबर टू, ठीक, हमारे पास एडाप्टेशन होगा, क्या होगा, एडाप्टेशन पाया जाएगा, अनुकूलन की क्षमता होगी। एंड नंबर थर्ड, हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन होगा, क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। एंड तीसरा, हमारे पास जो सेक्सुअलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, और वही सेक्सुअलिटी आगे चल के अलग अलग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा। ये पूरा कहता है हमारा न्यू डार्विन सिद्धांत।
तो ये छोटा सा एक बंडल रहा आपके लिए न्यू डार्विन यानी डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या कहता था इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेके आपके लिए उत्परिवर्तन का नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।